और सुमेध भाई साहब कैसे हो बढ़िया यार एक स्पेशल चाय लगा दो हमारी वाली हाँ काका अखबार ले लूँ पढ़ने के लिए <laughs> चलिए मैं आपको गर्मा गर्म न्यूज सुनाता हूँ हाँ चाचा देखिए क्या लिखा है अमरेली में नशे में दुध आदमी को ने काटा चाचा चाचा सांप ने काट लिया चाचा अरे रे अरे रे।, रे अरे आगे भी तो बताइए क्या लिखा है चा, लाश मिली है लाश हाँ अगले ही दिन झाड़ियों में से बेचारे सांप की लाश मिली है लिखा है इसमें सुमेध भाई मैं बता रहा हूं आपको ये दुनिया ना कलयुग के चरम सीमा पे है हाँ वरना आप ही बताइए भाई इंसान के जहर ने सांप को मार दिया भाई ऐसा कभी हो सकता है क्या हुआ है आया है अखबार में और सुनिए अगले ही दिन गांव वालों ने सांप की अंतिम यात्रा निकाली चाचा अंतिम यात्रा निकल रही है सांप की देखिए और तो और दूसरे दिन जब उसकी शोक सभा रखी गई तो आसपास के सारे मदारी बीन बजाते हुए पहुंच गए वाह क्या बात है हा? कहा जाता है कि उस सांप को उस गांव के शिव मंदिर में पाया जाता था इसीलिए उस शिव मंदिर में सांप की मूर्ति रखी जाएगी चाचा मूर्ति मूर्ति रखी जा रही है सांप की मूर्ति रखी जा रही है बताइए आप ये होती है खबर चाचा ये होती है खबर ये क्या दो कौड़े की खबर छापते हैं अखबार वाले भी ओ भाई साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप ये कौड़ियों की खबर नहीं है करोड़ों की खबर है करोड़ों की फिर चाचा अखबार में लिखा है अगले ही दिन बंबई के एक बड़े निर्माता का फोन आया है के सरपंच को बता रहा है कि उसको उस सांप की जीवनी पर एक बड़ा टेलीविजन शो बनाना है नागिन का इंतकाम अभिनय करेगी हमारी फेमस अभिनेत्री कल्याणी वाह भाई सुमेद भाई साहब किस्मत हो तो ऐसी हो मतलब मतलब जिस आदमी को सांप ने काटा उसका तो जिक्र ही नहीं है अखबार में और सांप फालतू में हीरो बना बैठा है <laughs> ये होती है किस्मत सुमेद भाई देखिए देखिए भाई देखिए फोटो छपी है, फोटो अखबार में सांप की <laughs>